नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित सिंह फन विथ एवियस फैमिली में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज एक ऐसी बात लेकर आपके सामने आया हूँ जो आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखती है, उनके लिए भी जिनकी शादी हो चुकी है और उनके लिए भी जिनकी शादी होने वाली है। तो मेरी बात को गौर से सुनिएगा और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। चलिए मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में हमारी माँ और हमारी बीवी हमारी ज़िंदगी की गाड़ी के दो पहिए होते हैं। जैसे आपने सुना होगा, कार की टायर की बैलेंसिंग की जाती है। अगर वो बैलेंसिंग ज़रा भी बिगड़ जाए तो हमारा एक तरफ का पहिया घिसने लगता है और हमारी ज़िंदगी की गाड़ी आगे चलते चलते ऐसे हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पारिवारिक गाड़ी ऐसे ना होकर ऐसे रहे, तो मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, अक्सर हमने देखा होगा कि हम ऑफिस से या कहीं भी अपने जॉब से घर पहुंचते हैं, तो घर पहुंचने के बाद हम अपने घर में जैसे इंटर करते हैं, अपनी माँ से मिलते हैं, देन अपने किचन की तरफ बढ़ते हैं या अंदर बेडरूम की तरफ जाते हैं, उससे पहले ही कुछ ना कुछ खटपट की आवाज़ आपके कान में आ जाती होगी। आपको लगता होगा, यार हम तो अभी घर में आए, हमने ऐसा किया क्या है जो घर में इस तरह का माहौल हो गया। देन 15 मिनट बाद आपसे हाय हाय लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि जाने अनजाने हमसे गलती कहाँ हो गई। गलती होती क्या है ये समझिए। हमें क्या करना है, हमें अपने प्यार को बहुत प्राइवेटली यूज़ करना होता है अपनी फैमिली के अंदर। इस चीज़ को गौर से सुनिएगा। हम माँ को प्यार करें या हम पत्नी को प्यार करें, हमें दोनों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन हमें दोनों का दिखावा नहीं करना चाहिए। हम घर में घुसते ही 10 मिनट 5 मिनट अपनी माँ को देते हैं, उसके बाद जैसे ही अपनी पत्नी की तरफ बढ़ते हैं तब तक उधर का पारा चढ़ चुका होता है और उस पारे का अंदाज़ा जब तक आपको लगता है तब तक बात आगे बढ़ चुकी होगी। इसलिए ना चाहते हुए भी हमें उस झगड़े उस लड़ाई का हिस्सा बनना पड़ता है। आइंदा से आप प्यार करिए माँ को भी और बीवी को भी, लेकिन कोशिश करिए एक दूसरे से छिपा के। ये बात थोड़ी सी अटपटी ज़रूर है, लेकिन मेरा वादा है इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में आजमाइएगा और उसके बाद आपको इसका कुछ फ़र्क अपनी लाइफ में महसूस हुआ या नहीं हुआ, ये कमेंट बॉक्स में आके लिखिएगा ज़रूर, ताकि हमें भी पता चले हमारा अनुभव कितना सही था और कितना गलत। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही काम की वीडियो बनाते रहेंगे। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू।